राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता। न पाप, न पुण्य और न अधर, सब कुछ नीति है और यही राजनीति है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होकर यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह तक आते आते सिद्धांतों से अलग सत्ता सिद्धि तक आ पहुंची थी। इस दौर ने ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर प्रदेश को दशकों चैन की सांस नहीं लेने दी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 1969 के चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की सियासत की ज्यामिति बदल रही थी। सरकारें बनने गिरने के कई राउंड के बाद 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री बने। रोलर कोस्टर राइड की है कभी? अगर की है तो एक बार फिर यादों में खो जाइए, अगर नहीं की है तो कहानी को फील करिए। ये राजनीति के एक ऐसे किरदार हैं जिसके रोम रोम में राजनीति भरी थी। ये 24 घंटे वाले राजनेता थे, ना राजनीति इन्हें चैन लेने देती थी, ना ये राजनीति को चैन लेने देते थे। वो कहते हैं ना, दिया और बाती हम, वैसा ही रिश्ता था इनका राजनीति से। इनके इस रिश्ते में प्यार का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि जब राजनीति ने इनका साथ छोड़ा तो इन्होंने राजनीति का साथ छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था और 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुधाड़ी गांव में हेमवती नंदन का जन्म हुआ था। ये यूपी की राजनीति में ऐसे नेता बने जिनके हारने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हेमवती का विरोध इतना तगड़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार भी उनसे तंग आ गई थी और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपए का इनाम तक रख दिया था। लेकिन हेमवती के तेवर बरकरार रहे। हेमवती बहुगुणा पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए थे और यहीं से छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए और कांग्रेस के सदस्य बन गए। तो पॉलिटिक्स में इन्हें तो आना ही था और यहीं से इनका असली सफर शुरू हुआ। 1936 से 1942 तक हेमवती नंदन छात्र आंदोलनों में शामिल रहे। वो वक्त ही ऐसा था कि जिससे जितना हो सकता था वो करता था। उसके बाद हेमवती यूपी की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1952 से वो लगातार यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1957 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। ऐसा माना जाता है कि सरकार जिसको मंत्री नहीं बना पाती उसे ये पद दे देती है, पर इससे ये पता चलता है कि हेमवती को इग्नोर करना सरकार के लिए आसान नहीं था। 1958 में प्रमोशन हुआ। सरकार में श्रम और उद्योग विभाग के उपमंत्री रहे। फिर 1963 से 1969 तक यूपी कांग्रेस महासचिव के पद पर रहे। 1967 में आम चुनाव के बाद बहुगुणा को अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री चुना गया। इसी साल कांग्रेस में समस्या पैदा हो गई। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर 1969 में इंदिरा गांधी को लेकर ही बवाल हो गया। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। त्रिभुवन नारायण सिंह जैसे नेता कामराज के सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, पर कमलावती त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। कांग्रेस का दो धड़ों में बंटना बहुगुणा के लिए काम आ गया। यूपी के सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह पद पर रहते हुए उपचुनाव हार गए। उसके बाद कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम बने तो उन्हें भी पीएससी विद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप में पद छोड़ना पड़ गया। बस यही बहुगुणा की किस्मत चमक गई। वे उस वक्त सांसद थे और इंदिरा गांधी सीएम के लिए नया चेहरा तलाश रही थी। फिर क्या, हेमवती बहुगुणा के नाम पर सहमति बन गई और उन्हें 8 नवंबर 1973 में सीएम बना दिया गया और वो 1975 तक सीएम रहे। लेकिन 80 के दशक में हुए एक चुनाव ने बहुगुणा का करियर दांव पर लगा दिया। बहुगुणा तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे और लोकदल की टिकट पर मैदान में थे। 1984 के इस चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से उनके खिलाफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उतरे।
किसी के रहमो गुमान में भी नहीं था कि अंग्रेजों तक की नाक में दम करने वाले बहुगुणा एक बॉलीवुड सुपरस्टार से हार जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से शिकस्त दे दी। इस हार ने बहुगुणा को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ही ले लिया। इसके 5 साल बाद 17 मार्च 1989 को हेमवती नंदन बहुगुणा दुनिया से विदा हो गए। हालांकि उनके बच्चों ने उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाई। बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, वहीं उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल भाजपा में हैं। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।